गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में जबरदस्त लापरवाही सामने आई है। जिस ओरेवा कंपनी को झूलते पुल के रख रखाव मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था, उसने तीसरी कंपनी को यह काम सौंप दिया था। अब ओरेवा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का अता पता नहीं मिल पा रहा है। पुलिस कंपनी के कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने जानकारी दी कि अब तक असल अजंता ग्रुप के तहत ओरेवा कंपनी है। ओरेवा कंपनी ने झूलते पुल के रखरखाव का करार मोरबी नगर पालिका से किया। ओरेवा ग्रुप ने इसका सब कॉन्ट्रैक्ट तीसरी कंपनी को दे दिया। देव प्रकाश सॉल्यूशन नाम की कंपनी, इस कंपनी को ही रखरखाव का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके मालिक का नाम पांचाल है। आखिरकार ये पुल टूट गया और अब ना तो ओरेवा के एमडी जयसुख पटेल का पता है ना पांचाल का। जयसुख पटेल ना अहमदाबाद में मिले ना मोरबी के अपने दफ्तर में। ऐसा कहा जाता है कि जयसुख पटेल के संबंध गुजरात में बड़े बड़े नेताओं से हैं। ओरेवा ग्रुप, उनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद से सटे इस ओरेवा ग्रुप के ऑफिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑफिस है ये बंद है। कहा जा रहा है कि दिवाली के वक्त से, यानी कि 4-5 दिन से ये ऑफिस बंद है। इस ऑफिस में कोई भी नहीं है। इस ऑफिस के अगर हम इस वक्त आप दृश्य दिखा पाए तो पीछे की ओर देखेंगे आप तो अजंता मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी कंपनी जानी जाती है और अजंता ग्रुप के जितने आप कह सकते हैं कि कंपनीज है उनके नाम दिख रहे हैं और लास्ट में ओरेवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ये चीज दिख रही है। जो पुल टूटा उसे रेनोवेट करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया था। करीब 2 करोड़ रुपए में पुल की मेंटेनेंस हुई, लेकिन 5 महीने में ही इसे खोल दिया गया। एक साथ लोहे के सारे तार टूट गए और डूब गई 130 से ज्यादा जिंदगी। जांच के लिए एसआईटी भी गठित है और उसके अधिकारी मोरबी के पुल पर भी पहुंचे। एफआईआर में अजंता कंपनी का नाम दर्ज है, लेकिन कंपनी के किसी भी अधिकारी का नाम उसमें नहीं डाला गया है। अब जो देखिए फॉरेंसिक टीम है वो डिस्टेंस मेजर कर रही है, टेप लेकर के आए हैं। सर ये बताएं, सैंपल्स आप लोग जो कलेक्ट कर रहे हैं अभी, डीएसपी साहब, नाम किसी तरह का नाम दर्ज हुआ अभी? एसआईटी टीम अभी कुछ बोलना नहीं चाहती, जाहिर है प्राथमिक तौर पर अभी जांच चल रही है। अब इसमें देखिए, ये जो पैलेस है ये निजी संपत्ति है, इसके आगे जाने की अनुमति हमें भी नहीं है, लेकिन जो तार टूटा है ये देखिए, जो लटका हुआ तार है इसका हिस्सा अंदर है। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने पर जो लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके नाम एफआईआर में जोड़े जा सकते हैं। आशुतोष मिश्रा, मोरबी आज तक। मोरबी हादसे में भारी लापरवाही की बात सामने आ रही है। मोरबी नगर पालिका ने जिस कंपनी को करार किया था उसमें साफ साफ जिक्र था कि कंपनी 8 से 12 महीनों तक पहले पुल का मेंटेनेंस करेगी, रखरखाव करेगी, उसके बाद ही पुल को खोला जाएगा आम जनता के लिए। लेकिन उससे पहले ही इस पुल को खोल दिया गया और वो भी नगर पालिका से बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी लिए। जिस हादसे ने 130 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिस हादसे ने मोरबी की शान को मच्छू नदी की कीचड़ भरे पानी में मिला दिया, जिस हादसे ने ऐतिहासिक विरासत को इतिहास बना दिया, उस हादसे के पीछे सामने आई भयंकर लापरवाही। कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉपी है मोरबी नगर पालिका और अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की और वी कंपनी के बीच हुए करार की। इसी साल मार्च 2022 में अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मोरबी की हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव के लिए 15 साल का करार किया था। इस कॉपी को देखने के बाद साफ साफ ये तथ्य सामने आ रहा है कि कंपनी ने जनता के लिए पुल खोलने में भारी लापरवाही बरती। करार में साफ लिखा गया है कि कंपनी पुल खोलने से पहले कम से कम 8 से 12 महीने तक पुल की मरम्मत करेगी, लेकिन कंपनी ने वक्त से पहले पुल को खोल दिया। यही नहीं, ये बातें भी सामने आ रही हैं कि मोरबी नगर पालिका से एनओसी लिए बगैर पुल को खोल दिया गया। ये जो पुल था, इस पुल को क्या फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था आप लोगों ने? हमने आउटसोर्स करके दिया था,
और अभी जो है ये कंपनी जो है उसको ऑपरेट कर रही है जी। कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है? ये अजंता, अजंता कंपनी जो है, अजंता और ब्रांड। अच्छा, वो ऑपरेट कर रही है। तो आपने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया था? नहीं नहीं दिया है, और उन्होंने रिनोवेशन खत्म किया है या नहीं किया इंटीमेट किए बगैर ही ये छुट्टियों में उन्होंने शुरू किया, और बहुत सारे लोग एक साथ भेजे थे, तो उसकी वजह से ये हादसा हो गया है। ओरिफा कंपनी को इससे पहले भी 2008 से 2018 के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन 2018 में करार खत्म होने के बाद किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मार्च 2022 में एक बार फिर उसी ओरिफा कंपनी को करार दिया गया, इस बार 10 साल की जगह 15 साल का, यानी 2037 तक ओरिफा कंपनी को हैंगिंग ब्रिज के रख रखाव का जिम्मा संभालना था। हमेशा से वो पुल जो है उसके ऊपर हिस्टोरिकली एक बैच में 20 से 25 आदमी की जाते थे। कल जो हुआ है उसमें वो उनकी लापरवाही की या जो भी था, एक साथ बहुत सारा आदमी जो है उनको भेज दिया गया था। करीबन 400 या 500 लोग वो एक समय पे वहाँ पे पहुँच गए थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। कंपनी की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। आज तक कंपनी के अहमदाबाद स्थित दफ्तर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था। तो अहमदाबाद से सटे इस ओरेवा ग्रुप के ऑफिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑफिस है ये बंद है। कहा जा रहा है कि दिवाली के वक्त से, यानी कि 4-5 दिन से ये ऑफिस बंद है। इस ऑफिस में कोई भी नहीं है। इस ऑफिस के अगर हम इस वक्त आप दृश्य दिखा पाए तो पीछे की ओर देखेंगे आप तो अजंता मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी कंपनी जानी जाती है, और अजंता ग्रुप के जितने आप कह सकते हैं कि कंपनीज हैं उनके नाम दिख रहे हैं, और लास्ट में ओरेवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ये चीज दिख रही है। तो ओरेवा ग्रुप के इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो ब्रिज का मेंटेनेंस उन्होंने किया है तथाकथित तौर पर, उस ब्रिज के मेंटेनेंस के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इस करार पर सहमति जनवरी 2020 में ही बन गई थी। मोरबी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुई उस बैठक में अजंता कंपनी के प्रतिनिधि के अलावा मोरबी नगर पालिका के अधिकारी मौजूद थे। मोरबी नगर पालिका ने अजंता से जो करार पुल की बेहतरी के लिए किया वो मौत का ठेका साबित होगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये क्यों ऐसा हो सकता है? क्यों हमारा महाराजा थे वागजी ठाकुर, उसने झूलता पुल बनाया था, 150 साल कुछ नहीं हुआ, आज 3 दिन में कुछ तो प्रश्न होगा ना। ये मैनेजमेंट है, क्या कहूँ। सबूत साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है बल्कि भयंकर लापरवाही का मामला है, और इस लापरवाही की भेंट 130 से ज्यादा जिंदगी चढ़ गई। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।